अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और के साइन डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो इसके लिए हम ले लेंगे लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और यू इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट, इसका वेरिएबल एक्स आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। इस तरह इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू आ गया, इसका भी वेरिएबल आपका एक्स किया, डी यू बाई डी एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे चेन रूल, क्योंकि हमें निकालना है डी वाई बाई डी यू। अप्लाई चेन रूल, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, इसको आप रेसिप्रोकल में लिख देना, डी एक्स ओवर डी यू, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स आपका कॉस एक्स है और डी एक्स बाई डी यू क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कोसेकेंट इक्वल होता है साइन के माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। और माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इक्वल हो गया कॉट एक्स के और साइन एक्स इक्वल हो गया कोसेकेंट एक्स के। ये आपका डी वाई बाई डी यू निकलाया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है ये जो है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमने ये ले लेना है लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और u इज इक्वल टू कॉस 4x। अब इसमें देखें जब आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट हम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर नीचे आ गई, पावर में से एक काम कर दिया, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x। इस तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करेंगे डी यू बाई डी एक्स, इसमें पावर नीचे आ गई, पावर में से एक काम किया और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। अब इसमें हम अप्लाई कर देंगे चेन रूल, अप्लाई कर दें चेन रूल, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी यू। डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है टू साइन एक्स और कॉस एक्स, और डी एक्स बाई डी यू क्या आ जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे फोर कॉस क्यूब एक्स और साथ में आ जाएगा साइन एक्स। तो इधर देखें साइन एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस टू कॉस एक्स भी कॉस एक्स के माइनस टू बाई फोर कॉस स्क्वायर एक्स रह गया, इसको भी इसके साथ कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू कॉस एक्स किस वन ओवर कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, डी वाई बाय डी यू निकलाएगा। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के इफ़ टेन इंटू टेन वाई इंटू वन प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स। शो हमने इसमें करना है शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें सॉल्यूशन में पहले हम वही वैल्यू लिखते हैं टेन वाई इंटू वन प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स। इसमें हम ये करेंगे टेन वाई इधर रहेगा और इसको हम इसके नीचे लिख देते हैं वन माइनस टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन एक्स। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ ना कि टेन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के। अब इस वैल्यू में देखें क्या आपको पता है कि टेन जो है किस एंगल पे वन होता है 45 पे, टेन 45 किसके इक्वल होता है वन के, तो हम इस वन की जगह ये लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, 45 क्या होता है पाई बाई फोर, इसको 45 भी लिख सकते हैं पाई बाई फोर भी, 180 को जब फोर पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक है।
माइनस टेन एक्स। अब ये फार्मूला बन गया टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस, जहाँ भी हम टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू वन है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अभी हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, तो यहाँ आ जाएगा टेन इंटू पाई बाय टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आप देखें यहाँ से दोनों साइड पे इक्वालिटी के दोनों तरफ जो टेन जो है वो टेन से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू आपके पास रह जाएगी पाई बाय फोर माइनस एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, वन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव आ गया वन, तो डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल हो गया माइनस वन के, और यही हमने प्रूव करना था। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स तक कंप्लीट हो गया।